मदीने के बाद को सही है चली उन्होंने आज आपके आप थोड़ा साइड पे हो जाए फाल भाई सूरत हाल के अंदर जहां मुल्क का निजाम की वजह से बैरूनी मुदाखलत की वजह से ज़मीरों की पट्टी लगा के आईन को तोड़ कर इंसानी हकूक को पामाल करके हजारों कारोबार बंद करके लाखों अफराद को बेरोजगार करके और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई पाकिस्तान के अवाम उसका सामना कर रहे हो। सेफ खलोता यार, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यार, तू बेटा सेफ खलोता यार, जो दिल में अपने वतन की मोहब्बत रखते हैं वो क्या ये देखते हैं, क्या वो देखते रहे हैं कि दिहाड़ीदार बगैर अपनी दिहाड़ी के खाता है? भाई जाइए और भाई जा रहे हैं सकरा, क्या खामोशी से ये देख कर रहे कि आटे की कीमत दो गुना बढ़ जाए और गरीब अपने बच्चों के लिए रोटी ना ला सके? क्या खामोशी से हम ये देख कर रहे कि पेट्रोल दो गुना महंगा हो जाए, डीजल दो गुना महंगा हो जाए, एक शख्स बस का किराया देने के काबिल न रहे, एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के काबिल न रहे और हम खामोशी से देखते रहे? क्या ये मुमकिन है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये मुमकिन है? क्या बात अजीब कर रहे हो? खामोश रहना चाहिए। चट्टा दिले कर रहे भाई, तू बैठो बात जो साड़ी उम्र नहीं है, ताजा के आराम करो। हेलो, लेकिन नजर आ रहे गैरतमंद लोगों के लिए अपने आजादी से बड़ी और कोई चीज नहीं होती, इसलिए ये फैसला किया गया कि हम और आजादी के लिए इनकी भूख मिटाने के लिए इनकी आवाज रोकने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत सुन लो, अवाम आपको पैगाम भेज रही है, गुलामी चलेगी, गुलामी चलेगी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तौर पर आजाद होने जा रहा है, फसीले शहर से बाहर बुला के मारा गया, सभी के सामने इबरत बना के मारा गया, मुझे ना देख सका कोई सच के रास्ते पे, हसद के दश्त में सूली चढ़ा के मारा गया। बोल नेटवर्क सलाम पेश करता है उस अजीम हीरो को जो आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उसकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।